सोलो गाइज वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ देख सकते हो तीन बहुत ही बेहतरीन बाइक्स खड़ी हैं अपने अपने कैटेगरी में और अपने अपने ब्रांड में। यहाँ पे डोमिनर है जो कि टूरिंग बाइक है, VSA जो है रेट्रो बाइक है, और एक परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है ड्यूक 390 जो लेटेस्ट आई थी थर्ड जनरेशन, जिसमें भाई पावर बढ़ा दी गई थी। 46 की पावर है, 39 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 45.6 bhp पावर है, 55 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और इसकी जो पावर है 40 PS की है और 35 NM टॉर्क है। तो भाई पावर में सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ BHP में तो ड्यूक ज़्यादा है सेकंड, थर्ड। टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो VSA है उसका टॉर्क ज़्यादा है, एंड उसके बाद इसका टॉर्क है, उसके बाद इसका। तो भाई पावर में थोड़ा सा 19-20 है, क्योंकि वेट भी 19-20 हो रहा है हर चीज़ में। ड्यूक सबसे हल्की है, ये भारी है, फिर ये उससे हल्की है, तो बहुत ही अंतर होने वाला है। राइडर वेट में भी थोड़े से चेंजेस है, तीन राइडर हैं, तीनों के वेट डिफरेंट है, मैं सबसे हैवी हूँ। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है ये परफॉर्मेंस में, मिलते हैं सीधे ड्रैग में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अपन डोमिनार ही चलाएंगे फिर, और क्या। भाई लोगों ने ये गाड़ी ले ली है, अपन डोमिनार चलाएंगे। क्या हो रहा है रिजल्ट के, बैंड बजी पड़ी है रिजल्ट की। रिजल्ट बहुत चकाने वाला आ रहा है, बहुत ही गड़बड़। आवाज नहीं सुनाई दी, ये बजा रहा हूं। इस बार रिजल्ट अलग होगा भाई, मैं भी चला गया। निकल चुके हैं, भाई साहब मुझे लग रहा BSA में कोई दिक्कत है। और भाई ड्यूक बहुत आगे निकल गई है, जबकि मैंने लोहन बढ़िया किया था। अभी देखो कितना रिजल्ट आ रहा है, बहुत पीछे हूं मैं। देखते हैं बाकी क्या ड्यूक को बीट कर पाएगी BSA। पकड़ लिया स्पीड, माइट भी बीट कर दे। देखो भाई क्या स्लिप से मिल कर रहा है बंदा कार की, अनएक्सपेक्टेड।
चलती ना तो बीट कर देती। कोई नहीं निकला यार। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है भाई, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, बहुत ही घटिया रिजल्ट आए। अबे ये क्या था भाई? भाई इस बार गई बनेट्टी के आसपास। ये इस गाड़ी में कोई दिक्कत है मुझे लग रहा है, इस गाड़ी में कोई दिक्कत है। अबे ये भागी ही नहीं। लो चलाओ इस बार तुम, ये डोमिनर पता नहीं क्या चली है यार ये भाई, राइडर चेंज करते हैं भाई, बहुत ही गंदी चली है। और भाई देखो सेम फास्टेस्ट वाला रिजल्ट हो रहा अभी। अब भाई 390 चल रही आगे और 390 का काम खत्म है, काम खत्म। तगड़ी भागती है ये देखो, ये और तगड़ी है, हल्का वेट वाला बैठ गया तो और भाग रही है भाई साहब। पीएसए बहुत तगड़ी भागती है, कुछ भी कहो। पीएसए चला रहा है अविनाश और ड्यूक को पीएसए हरा चुकी है और मैं अपने डोमिनार लेके सबसे लास्ट में हूँ। काम खत्म, पैसा हजम, 390 का काम खत्म। अलग ही रिजल्ट आ रहे हैं यार यहाँ पे। थोड़ी फेयर हुई है वरना तो भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा था अभी तक, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो देखो डोमिनार कितनी पीछे है, ओ
बहुत तगड़ी भाग रही है भाई ये। ये मैं 170 गया हूँ, तुम्हारा वेट कम है भाई, हम लोग के वेट भी 170 के ऊपर नहीं जा रही है। 170 तो हमारे भी वेट पे गई उधर से। तो फिर ये नहीं भगा पाया फिर निकलने, मतलब ऐसे इससे निकल नहीं पाई, बहुत तेजी में निकल गया यार ये। स्लिप स्लिप भी नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर सकते थे भाई, बहुत तेजी से निकली है, बहुत तगड़ी भागी है भाई। तो आप लोग देख सकते हो ये जीत गए हैं अपना हल्का वेट लेकर के। तो अपने आपको बोल रहे हम बहुत बढ़िया राइडर, ऐसा कुछ नहीं है, वेट का एडवांटेज मिल गया है। मैं 90 केजी था ऑब्वियस बात है, लेकिन पिकअप में भाई नो डाउट इसको बीट करना मुश्किल है। शॉर्ट रेस होगी ना, या मतलब मान लीजिए सिटी पे, तब नहीं जीत सकती भी ऐसे। फिलहाल ये रेस थी, होप करता हूँ अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिए। बाय बाय।